Now we will continue our discussion on HCF and LCM word problems. आज इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे. तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 लीव रिमाइंडर 8 एंड 12. अभी तक जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करे थे उसमें जब हमारा रिमाइंडर लीव हो रहा था एलसीएम वाले केसेस में, जिसमें हमारा रिमाइंडर लीव हो रहा था वो सेम रिमाइंडर लीव हो रहा था, तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जा रहा था उसको सॉल्व करना. लेकिन यहाँ पे क्या इश्यू हो रहा है कि यहाँ हमारा रिमाइंडर सेम नहीं है. अब जरा देखिए, लेट्स से वी हैव दिस, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू पोर्शन प्लस रिमाइंडर, ये रूल चल रहा है हमारा, ठीक है. तो फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड, जिसको डिवाइड किया गया, हमें नहीं मालूम किसको डिवाइड किया गया. लेट एक्स को डिवाइड किया गया, किससे डिवाइड किया गया, 28. तो क्वोशेंट क्या आया, q1, और रिमाइंडर क्या आया, 8. सिमिलरली उसी नंबर को हमने और किससे डिवाइड किया, 32 से, तो ऑब्वियसली कुछ डिफरेंट क्वोशेंट आएगा, बट दिस टाइम रिमाइंडर इज 12. तो हमें x सबसे छोटा ऐसा नंबर ढूंढना है जो 28 से डिवाइड करें तो 8 लीव करे रिमाइंडर, और 32 से डिवाइड करें तो 12 लीव करें, ठीक है. अब आपको अगर ध्यान हो, जब ये रिमाइंडर सेम होते थे तो हम ये रिमाइंडर उधर ले जाते थे और कहते थे x माइनस दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 28, x माइनस दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 32, और 28 और 32 का एलसीएम निकाल के ये जो नंबर था उधर ले जाते थे, ऐड कर देते थे. पर इस बार ये प्रॉब्लम है क्योंकि x माइनस 8 करेंगे इज अ मल्टीपल ऑफ 28, एंड x माइनस 12 करेंगे इज अ मल्टीपल ऑफ 32. तो अब x माइनस 8 और x माइनस 12 तो डिफरेंट नंबर है, तो फिर तो x की सेम वैल्यू तो नहीं आएगी यहाँ पे. इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. अब इसमें देखिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग वही सिचुएशन लेके आएंगे जो कौन सी केस थी जिसमें हमारा रिमाइंडर सेम हो रहा था. तो देखिए क्या करेंगे, लेट्स से दिस इज 1 एंड लेट्स से दिस इज 2. तो x इज इक्वल टू 28 इंटू q1. अच्छा, एक चीज आप नोट करिए कि हो क्या रहा है इसमें, स्पेशल क्या है. स्पेशल ये है कि इस केस में जो हमारा डिवाइजर है वो क्या है, 28, और जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या है, 8. दोनों का डिफरेंस देखिए, डिफरेंस क्या है, इस 20. इसी तरह सेकेंड केस में देखिए हमारा डिवाइजर क्या है, 32, और हमारा रिमाइंडर क्या है, 12. जरा डिफरेंस देखिए, इस 20. यानी दोनों ही केस में जो डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, वो 20 आ रहा है. अब जरा देखिएगा क्या होता है. तो 28 इंटू q1 प्लस 8 है, हम क्या कर रहे हैं, 28 ये जो है उसको यहां लाने की कोशिश करेंगे. मतलब 8 में ऐसा नंबर ऐड करें जिससे 28 आ जाए. देखिए तो 8 में क्या ऐड करें, 20 ऐड करें तो 28 आ जाएगा. बट अगर हमने 20 ऐड किया है तो ये तो अपने मन से किया, तो इसे हमें कॉम्पनसेट भी करना पड़ेगा जिससे हमारी इक्वेशन वही बनी रहे. तो अब देखिए क्या हुआ, 28 कॉमन इन दो में, 28 q1 पहले लिख देते हैं, 28 माइनस 20, ये क्या हो गया, 28 कॉमन q1 प्लस 1. अब q तो एक इंटीजर था, इंटीजर में 1 ऐड करेंगे तो कुछ और इंटीजर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, x इज 28 इंटू q1 डैश मान लीजिए माइनस 20, ठीक. ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी. अब इस वाले पे आइए सेकेंड, x इज इक्वल टू 32 इंटू q2 प्लस 12. अब 12 में हम क्या ऐड करें जिससे कि हम 32 तक पहुंच जाए, ऑब्वियसली 20 ऐड करेंगे. पर हमने 20 ऐड किया तो इसको हमें कॉम्पनसेट भी करना पड़ेगा जिससे इक्वेशन वही रहे. तो चेक करिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आता है, 32 q2 प्लस 32 माइनस 20. तो दिस बिकम्स 32 कॉमन q2 प्लस 1 माइनस 20. अब q2 तो एक इंटीजर था, इंटीजर में 1 ऐड करेंगे तो फिर से कुछ इंटीजर आ जाएगा, q2 डैश मान लीजिए माइनस 20 इज x, दिस बिकम्स 4. अब चेक करिए, अब तो देखिए क्या हुआ, दोनों का रिमाइंडर एक तरीके से सेम आ गया, रिमाइंडर ना कहिए वैल्यू सेम आ गई. तो यहां से हम क्या कहेंगे, 20 को अगर लेफ्ट साइड ले जाए तो x प्लस 20 इज इक्वल टू 28 इंटू q1 डैश, एंड सिमिलरली x प्लस 20 इज वॉट, 32 इंटू q2 डैश. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 28 से x प्लस 20 कंप्लीटली डिविजिबल है क्योंकि रिमाइंडर नहीं आ रहा,
ऑन द कॉन्ट्री हम क्या कह सकते हैं, x प्लस 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 28. सिमिलरली x प्लस 20 32 से डिविजिबल है क्योंकि रिमाइंडर नहीं आ रहा, तो उल्टा क्या बोलेंगे, x प्लस 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 32, विच मीन्स x प्लस 20 इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 28 एंड 32. अब x हम क्या ढूंढ रहे हैं, x हम क्या ढूंढ रहे हैं, स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढ रहे हैं जो इन दोनों से डिवाइड होने पे ये रिमाइंडर्स है, तो यानी एक तरीके से हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल की तरफ चले गए. 28 और 32 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो क्या होगा, वो हम निकाल लेंगे. 2 14 का, 2 16 का, 2 7 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, 7 1 टाइम्स, 8 टाइम्स, 2 1 एंड 4, 2 1 एंड 2 एंड 2 1 एंड, तो इसका क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 1 2 3 4 5 एंड 7, तो 32 इंटू 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 एंड 20. अब चेक करिए, यानी x प्लस 20 जो है वो क्या है, 224 का मल्टीपल है, क्योंकि 224 किसका मल्टीपल है, 28 और 32 का. ठीक, x प्लस 20 इज वॉट, 224 टाइम्स k, वे k बिलोंग्स टू इंटीजर्स. अब k की क्या होगी, वन वैल्यू होगी, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, k को 2 रखेंगे तो उसके आगे वाला मल्टीपल है, k को 3 रखेंगे तो उसके आगे, तो हम तो लीस्ट वैल्यू ऑफ x ढूंढ रहे हैं, तो k को मिनिमम क्या रख दें, 1, ये हो गया 224 इज x प्लस 20, तो x क्या होगा, 224 माइनस 20 विच इज 204, मतलब x आपका क्या है, 204 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे, जिसको 28 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 8, और 32 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 12. आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन. ठीक है, नाउ वी टेक अनदर क्वेश्चन, इसी टाइप का है, रिकंफर्म अवर कॉन्सेप्ट. फिर कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35 एंड 40 leaves remainder 14, 19, 29 and 34 respectively. Find the least number which when divided, जिसको हम डिवाइड करें, मतलब हम डिविडेंड ढूंढ रहे हैं, मतलब अब ये किसका क्वेश्चन है, मल्टीपल का क्वेश्चन है, तो लिख लें अपना फॉर्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू quotient प्लस रिमाइंडर. किसको डिवाइड कर रहे हैं, वी डू नॉट नो, वही तो ढूंढ रहे हैं, x की सबसे छोटी वैल्यू क्या लें जिससे उसको 20 से डिवाइड करें तो कुछ रिमाइंडर, कुछ क्वेश्चन मिलेगा, और रिमाइंडर क्या मिलेगा, 14. इसी तरह उसी नंबर को जब हम 25 से डिवाइड करें तो कुछ क्वेश्चन मिलेगा पर रिमाइंडर 19 मिलेगा, उसी नंबर को जब हम 35 से डिवाइड करें तो कुछ क्वेश्चन मिलेगा पर रिमाइंडर 29 मिलेगा, और उसी नंबर को जब हम 40 से डिवाइड करें तो कुछ क्वेश्चन मिलेगा और रिमाइंडर 34 मिलेगा. अगेन चेक, कुछ स्ट्रेंज हो रहा है, हर केस में डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, चारों ही केस में देखिए 6 हो रहा है, वेदर इट इज 20 माइनस 14, 25 माइनस 19, 35 माइनस 29 या 40 माइनस 34, चेक करिए सब में 6 हो रहा है, यही केस हमारा पिछला वाला था. तो इसमें हम क्या करेंगे, ये 20 लाने की कोशिश करेंगे यहां, तो क्या ऐड कर दें, प्लस 6 और कॉम्पनसेट कर देंगे माइनस 6, प्लस 6 माइनस 6, प्लस 6 माइनस 6, प्लस 6 माइनस 6, तो क्या बन जाएगा, 20Q1 प्लस 20 माइनस 6, दिस बिकम्स 35Q2 प्लस 25Q2 प्लस 25 माइनस 6, 35Q2 प्लस 35 माइनस 6 एंड यू हैव 40Q3, Q4 प्लस 40 माइनस 6. अब इसको हम क्लब कर लें एक साथ, इसको एक साथ क्लब कर लें, इसको एक साथ कर लें, इसको एक साथ कर लें, तो क्या होगा, x is 20 times q1 plus 1 minus 6, x is 25 times q2 plus 1 minus 6, x is 35 q3 plus 1 minus 6 and x is 40 q4 plus 1 minus 6. अब Q1, Q2, Q3, Q4 तो इंटीजर हैं, तो प्लस वन करेंगे तो भी कोई इंटीजर आएगा, कुछ और नाम दे देते हैं, Q1 डैश माइनस 6, इसी तरह 25 Q2 डैश माइनस 6,
35Q3-6 एंड 40Q4-6। अब ये माइनस सिक्स देखिए सबने सेम आ गया, उसको हम लेफ्ट साइड ले जाए तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस सिक्स इज 20Q1-, एक्स प्लस सिक्स इज 25Q2-, एक्स प्लस सिक्स इज 35Q3-, एंड एक्स प्लस सिक्स इज 40Q4-। इसका सीधा मतलब हो गया कि अब रिमाइंडर नहीं है, यानी x प्लस सिक्स क्या है, x प्लस सिक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 20 या x प्लस सिक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 25, x प्लस सिक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 35, x प्लस सिक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 40। इसका मतलब ये चारों का मल्टीपल है, मतलब x प्लस सिक्स इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ All these numbers 20, 25, 35 और 40। तो इसका मतलब ये जो चारों नंबर्स का जो कॉमन मल्टीपल है, मतलब पहले वो निकाल लें, तो हम क्या निकाल सकते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं, 2 10s, 25s, 35s and 20, ये वर्क तो हम कर ही सकते हैं, 2 5s, 25s, 35s, 10। अगेन 2 से हम डिवाइड कर दें, 2 5s, 25s, एंड दिस वुड बी 35 and 5। नाउ 5 से कर दें, 5 1s, 5s, 7s, 1s, 5 1 1, 7 1 and last 7। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया इन नंबर्स का, 2 into 2 into 2, 5 into 5 into 7, 2 2s are 4, 2s are 8, 5s are 40, 200 into 7, 1400 आ गया। मतलब जो x प्लस सिक्स है वो क्या है, 1400 का मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है ना इनका, तो इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल 1400 है, तो इसके बाद जो मल्टीपल्स होंगे वो भी x प्लस सिक्स हो सकता है, k। तो k क्या है, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो x की वैल्यू अगर हमें स्मॉलेस्ट रखनी है तो k हमें स्मॉलेस्ट रखना पड़ेगा, मतलब k को क्या रखना पड़ेगा, 1। तो x क्या आ गया, 1400 माइनस 6, which is x is equal to 1394। ये 1394 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम इन नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिस्पेक्टिवली हमें ये रिमाइंडर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ये नहीं समझ में आया तो इसको फिर से एक बार ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, find the greatest number that will divide this, this, this so as to leave the same remainder in each case. अब बहुत ध्यान से देखिए, find the greatest number that will divide, जो divide करेगा इनको, मतलब divide करेगा मतलब divisor ढूंढ रहे हैं, divisor ढूंढ रहे हैं मतलब क्या केस हो गया, factor वाला केस हो गया, तो क्या हो गया, HCF वाला केस है। फिर से हमने use किया dividend is equal to divisor into quotient plus remainder, Let's write this properly. ये हो गया dividend. ठीक है, तो dividend क्या है, 43, किससे divide करें हमें नहीं मालूम, कुछ quotient आएगा, पर remainder क्या आएगा, leave the same remainder, अब remainder भी नहीं दिया, हमने कहा remainder r मिलेगा। इसी तरह जब 91 को हमने उसी number से divide किया, कुछ quotient मिलेगा, remainder दिया नहीं है, पर ये दिया है कि सब में same remainder, तो उसमें भी r मिलेगा। और तीसरा है 183, उसको भी हमने x से डिवाइड किया है, कुछ क्वेश्चन होगा पर रिमाइंडर तो वही मिलेगा जो अभी तक मिल रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें ना रिमाइंडर पता है और ना हमें डिवाइजर पता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 43 माइनस r, 91 माइनस r और 183 माइनस r तीनों ही आर डिविजिबल बाय x, क्योंकि जब आप इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 43 माइनस आर विल बी एक्स इंटू क्यू वन, इसी तरीके से 91 माइनस आर विल बी व्हाट, एक्स इंटू क्यू टू, एंड सिमिलरली 183 माइनस आर विल बी इक्वल टू एक्स इंटू क्यू थ्री, तो अब रिमाइंडर तो बचा नहीं, मतलब 43 माइनस आर कंप्लीटली डिविजिबल है एक्स से, 91 माइनस आर कंप्लीटली डिविजिबल है एक्स से, 183 माइनस आर कंप्लीटली डिविजिबल है एक्स से, तो एक्स इनका क्या हो गया, एक्स इज द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर ऑफ व्हाट,
43 माइनस आर, 91 माइनस आर एंड 183 माइनस आर। अब अगर आर हमें पता होता तो स्ट्रेट अवे हम क्या निकाल देते, कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ निकाल देते, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर हम ढूंढ रहे हैं तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया होता हमें। लेकिन आर हमको नहीं मालूम है तो अब हम क्या करें, तो हम क्या करें कि हम क्या करेंगे, 91 माइनस आर माइनस 43 माइनस आर करेंगे, 183 माइनस आर माइनस 91 माइनस आर करेंगे, और 183 माइनस आर माइनस 43 माइनस आर करेंगे। अगर ये तीन नंबर्स, अगर हमारे पास तीन नंबर हैं जिनका कॉमन फैक्टर x है तो उनके डिफरेंस का भी कॉमन फैक्टर x होगा, x इज द कॉमन फैक्टर, x इज द कॉमन फैक्टर ऑफ दिस दिस एंड दिस ऑल्सो। इसको समझने के लिए समझिए, जैसे मैं कहूं कि लेट्स से वी हैव 21 एंड 14। अब 21 के फैक्टर्स होंगे 3 और 7 और 14 के फैक्टर्स होंगे 2 और 7। तो अगर मैं इसका एचसीएफ निकालूं तो क्या आएगा, 21 और 14 का एचसीएफ क्या होगा, 7 होगा। तो 7 अगर इन दोनों का एचसीएफ है तो इन दोनों के डिफरेंस का भी एचसीएफ 7 होगा। 21 माइनस 14 कीजिए 7, 7 का क्या है एचसीएफ 7 है। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, 24 एंड लेट्स से 36, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 क्यूब इंटू 3, 8 थ्री 24, इसके होंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो बताइए एचसीएफ क्या है इसका, कॉमन फैक्टर 2 भी है और 3 भी है, 2 की मिनिमम पावर 2 है, 3 की मिनिमम पावर 1 है, तो 2 2 4 3 12। अब चेक करिए ये जो 12 आया है ये इन दोनों का एचसीएफ है। अब इन दो नंबर्स का डिफरेंस लीजिए, 36 माइनस 24 देखिए क्या आ रहा है, 12, 12 इज द फैक्टर ऑफ 12 ऑल्सो, 12 इज द एचसीएफ ऑफ 12 ऑल्सो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर x इनका फैक्टर है तो x इनका भी, इनके डिफरेंसेस का भी फैक्टर है। और हमने ये क्यों किया, टू गेट रिड ऑफ r, क्योंकि r को खत्म करने का और कोई तरीका नहीं था। तो यानी अब ये नंबर्स क्या बने, 91 माइनस r माइनस 43 माइनस r प्लस r, ये कट गया, ये कितना हुआ 50 48। इसी तरह 183 माइनस r माइनस 91 प्लस r, तो क्या बचा 92, और 183 माइनस r माइनस 43 प्लस r, तो क्या आ गया 140। यानी x इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ दीज नंबर्स ऑल्सो। तो यानी इसका मतलब इनका हम क्या निकाल लें, एचसीएफ निकाल लें, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x चाहिए, तो कॉमन फैक्टर तो ऑलरेडी है और ग्रेटेस्ट वैल्यू जो तीनों में कॉमन फैक्टर हो मतलब एचसीएफ। तो 2 24 टाइम्स, 2 12 टाइम्स, 2 6 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, 92 में आइए, 2 46 टाइम्स, 2 23 टाइम्स, 23 1 टाइम्स। ठीक है, इसके हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। अब इस पे आइए, 2 70 टाइम्स, 2 35 टाइम्स, 7 5s एंड 5 1s। जरा इन फैक्टर्स को लिख लें, 48 के हो गए 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, 1 2 3 4। देन 92 इज 2 स्क्वायर इंटू 23 एंड लास्ट 140 क्या है, 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो इनका एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ क्या हो गया 48, 92 और 140 का। देखिए कौन सा फैक्टर है जो सब में कॉमन है, 2 ही है, क्योंकि 2 तीनों में आ रहा है, बाकियों में कोई ऐसा फैक्टर नहीं जो कॉमन आ रहा हो, तो 2 हो गया। और इसकी लीस्ट पावर क्या है, 2 है, यानी इनका एचसीएफ क्या है 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x हमारा क्या हो गया, x की वैल्यू क्या हो गई, 4 हमारा सबसे बड़ा वो नंबर हो गया जो तीनों को डिवाइड करेगा और तीनों में सेम रिमाइंडर निकलेगा। तो जरा चेक कर लीजिए, तो हम किस किस को डिवाइड कर रहे थे, हम डिवाइड कर रहे थे 43, 91 और 183, और इनको अब हम 4 से करके चेक करते हैं, 4 10s 40, 3 is the remainder, 4 से डिवाइड कीजिए, 4
टू ज़ा एट, फोर वन ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, तो क्या बचा थ्री, इसको फोर से कीजिए, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, टू थ्री फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी। देखिए तीनों में रिमाइंडर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो इनफैक्ट हम बाद में रिमाइंडर भी बता सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या था। ठीक है, तो दीज थ्री क्वेश्चंस वर स्लाइटली स्पेशल, इन पे आपको थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेशन करना है। मैंने कोशिश की है सारे क्वेश्चंस को आप कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लियर करूं, जिससे कि आप समझ पाए। इसको रटने की कोशिश मत करिएगा, और बेसिकली ग्रेटेस्ट और लीस्ट को देख के आप क्वेश्चन का डिसीजन मत लीजिए। आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा, विच वेन, जैसे मैंने बताया विच वेन डिवाइडेड बाय, तो मतलब वो डिविडेंड की बात हो रही है, डिविडेंड मतलब मल्टीपल की बात हो गई। नंबर इसमें क्या कह रहा है, दैट विल डिवाइड, जो डिवाइड करेगा, मतलब डिवाइजर, इसका मतलब फैक्टर से रिलेटेड हो रहा है, मतलब ये एचसीएफ का क्वेश्चन बन रहा है। इस तरीके से हम छोटी छोटी बातें पकड़ के आगे पढ़ेंगे, एंड देन वी विल सी कि वो क्या रिमाइंडर लीव कर रहा है, उस रिमाइंडर को हमें कैसे यूज करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है। तो आई होप आप ये लेक्चर्स बहुत ध्यान से एक बार रिवाइज करें टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है।